अंततः प्रभु श्री राम के जन्म का समय आ गया। महाप्रतापी महाराज दशरथ, मैं प्रजापत्य पुरुष आपको ये आशीष देता हूँ कि पुत्रों की प्राप्ति की आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। देवताओं द्वारा बनाई गई इस दिव्य खीर के प्रसाद को अपनी पत्नियों में बांट दीजिए। उनके इस दिव्य खीर के प्रसाद के ग्रहण कर लेने से शीघ्र ही आपके राज प्रसाद में पुत्रों की किलकारियां गूंज उठेंगी। क्या हुआ ज्ञानदायिनी माता? फिर राजा दशरथ ने खीर के दिव्य प्रसाद को अपनी रानियों में बांट दिया और परिणाम स्वरूप रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न और रानी केकई ने भरत नाम के पुत्र को जन्म दिया और माता कौशल्या को प्रभु विष्णु जी के नर अवतार प्रभु श्री राम की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अर्थात प्रभु श्री राम के हाथों रावण का संहार होगा। माता, क्या रावण इतना शक्तिशाली है कि वो प्रभु हरि का विरोध एवं उनका सामना करने का दुस्साहस करेगा? पुत्र, दस शीश धारण करने वाला दशानन रावण जन्म से अत्यंत बलशाली है। ओम नमः शिवाय। वेदों के समुचित ज्ञान ने उसकी शक्ति में और भी वृद्धि कर दी है। वो प्रकांड पंडित है। भगवान शिव के महान भक्तों में उनकी गणना होती है। बाबा भोलेनाथ से उसे अति प्रचंड खड़क चंद्रहास भी प्राप्त है। महापंडित, महान शिव भक्त, ये तो एक महान पुरुष के गुण है माता। हाँ पुत्र, जब इन गुणों का सम्मिश्रण दुष्टता एवं अहंकार से हो जाए तो व्यक्ति महादानव बन जाता है और इस महादानव रावण ने किसी भी शत्रु से स्वयं को सुसज्जित रखने के लिए मेरे स्वामी प्रभु ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि कोई नर या वानर ही उसका वध कर सके। परंतु वाली से हुए संघर्ष में पराजित होने और एक वानर से सामना होने के पश्चात उन्हें ज्ञात हो गया कि नर या वानर उसका संहार करने में भी सक्षम हो सकते हैं। मृत्यु का भय उसे पुनः सताने लगा। पूर्व काल में प्राप्त उस वरदान से वो असंतुष्ट हो गया। फिर उसने क्या किया माता? उसने ठान लिया पुत्र कि वो अमृत प्राप्त कर अमृतत्व को प्राप्त करेगा। जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाकर सदा जीवित रहेगा। इसी आशय से वो पुनः सृष्टि के सृजनकर्ता प्रभु ब्रह्मा जी की घोर तपस्या में लीन हो गया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ॐ 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 ब्रह्मदेवाय। दशानन रावण,
अपने नेत्र खोलो बस। प्रणाम सृष्टि के रचयिता प्रभु ब्रह्मदेव, आपके दर्शन पाकर आपका यह भक्त कृतार्थ हुआ। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने तपोबल से कंपित करने वाले तुम महान तपस्वी हो रावण। मैं तुम्हारी तपस्या अति प्रसन्न हूं। कहो, इस बार मुझसे किस वरदान की प्राप्ति करना चाहते? अमृत प्रभु, मात्र अमृत पाने की इच्छा है मेरी, जिसे पाकर मैं अमर हो जाऊंगा। ये असंभव है। अमृत प्राप्ति का अधिकार तो पात्र देवताओं को, अपने तप और कर्म से ही वो इस योग्य बनते। अन्य कोई अमृत पान नहीं कर सकता, यही विधि का विधान। क्षमा करें प्रभु ब्रह्मदेव, परंतु आपके उन देवताओं से योग्यता में हीन कैसे है लंकेश दशानन रावण? समस्त वेदों का ज्ञानी हूं मैं, महादेव का परम भक्त हूं मैं, उन देवताओं से अधिक शक्ति संपन्न हूं मैं, और आपके ही कथन के अनुसार मेरा श्रेष्ठतम तपस्वियों में सर्वोच्च स्थान है। और फिर आपका परपोत्र भी तो हूं ना मैं, इसलिए प्रभु अमृत को मुझसे और मुझे अमृत से वंचित रखने का यह अन्याय आप कर नहीं सकते। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो अमृत पान कराइए मुझे। रावण, मुझसे अमृत प्राप्त करके भी तुम्हें उसका कोई लाभ नहीं होगा। पात्रता के अभाव में तुम उसका पान नहीं कर सकोगी। मुझे बस इतना ज्ञात है प्रभु के अमृत चाहिए मुझे, अन्यथा अमृत से वंचित रहकर मैं और घोर तप करूंगा और फिर विवश होकर आपको मुझे अमृत देना ही होगा। यदि अमृत प्राप्ति की तुम्हारी इतनी प्रबल इच्छा है कि तुम उसको पाने के बाद ही अपना तप समाप्त करोगे तो ठीक, तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं तुम्हें अमृत का वरदान दूंगा अवश्य, परंतु तुम अमृत का पान कर नहीं सकोगे और तुमको उसे अपने शरीर के किसी अंग में समाहित करना होगा। जब तक अमृत वहां रहेगा तभी तक तुम अमरत्व के सुख भोग सकोगे। उत्तम, अति उत्तम। धन्य हो गया दशानन रावण, आपका ये वरदान प्राप्त करके प्रभु धन्य हो गया। मैंने विचार कर लिया है प्रभु, आपका ये वरदान मैं स्थिर रखूंगा अपनी नाभि में। तथा रावण ने अमृत को अपनी नाभि में ही रखने का चुनाव क्यों किया? क्या उसका कोई विशेष कारण था? पुत्र, महाज्ञानी और महापंडित है रावण। उसे ज्ञात है वेदों द्वारा स्थापित युद्ध के नियमों के अनुसार नाभि या उससे नीचे अंगों पर वार करना वर्जित है। ऐसा वार करना घोर पाप माना जाता है, इसीलिए
अपनी नाभि में अमृत छुपाकर रखने से रावण और सुरक्षित हो गया, क्योंकि जो योद्धा उसे धर्मोचित युद्ध करेगा वो उसके उन अंगों पर कदापि वार नहीं करेगा और अमृत सदा उसके शरीर में स्थित रहेगा। परंतु अमृत पाने के पश्चात रावण निर्भिज्ञ, निशंक और निरंकुश हो गया। अपनी निरंतर दुष्कृतियों से वो राक्षसी शक्तियों का प्रसार कर रहा है, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ऋषि मुनि घोर तप करते हैं तो वो उसमें व्यवधान डालता है। शकल जगह उसके आतंक से पीड़ित है हनुमान। माता, रावण का संहार करने के लिए प्रभु श्री हरि राम अवतार ले चुके हैं ना? हाँ पुत्र, किंतु स्मरण रहे रावण की मृत्यु नर या वानर के हाथों ही होनी है। वो नर प्रभु श्री राम है और वो वानर तुम हो हनुमान। समय आने पर तुम प्रभु श्री राम से मिलोगे। जब उन्हें तुम्हारे सहायता की आवश्यकता होगी तब पूर्ण निष्ठा से उनका सहायक बन उनके कार्य संपन्न करने का हर संभव प्रयास करना तुम्हारा कर्तव्य होगा। तुम्हारे परम कर्तव्य से तुम्हें परिचित कराने और उसके प्रति तुम्हें प्रेरित करने के लिए ही मैंने विस्तार से प्रभु विष्णु जी के पूर्व अवतारों का वर्णन किया है। समय आने पर पूर्ण क्षमता से प्रभु श्री राम के कार्य को संपूर्ण करना। माता, प्रभु श्री हरि के ऐसी न्यारी लीलाओं के बारे में अवगत कराने के लिए हनुमान आपका सदैव कृतज्ञ रहेगा। हनुमान, सदैव आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को स्मरण रख अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहेगा, सदैव प्रभु इच्छा के प्रति समर्पित रहेगा। प्रणाम त्रिदेवियों। एक साथ आप सबके दर्शन प्राप्त कर हनुमान परम सुख का अनुभव कर रहा है। कल्याण हो पुत्र, हम तुम्हें वरदान देकर तुम्हारे मान कर्तव्य की पूर्ति के लिए तुम्हें और समर्थ बनाए। मैं तुम्हें काम रूप का वर देता हूँ जिससे तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकोगे। धन्यवाद ब्रह्मदेव। हनुमान, शक्ति रूप में मैं सदैव तुम्हारी पूछ में स्थित रहूंगी। स्मरण रखना पुत्र, किसी भी ऋषि मुनि का श्राप मेरी शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। वाह सखा, धन्यवाद माता पार्वती। पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम जहाँ भी स्थित होगे वहाँ धन और समृद्धि की वर्षा होगी। मेरे समान तुम सभी की आशा और भावी सुख के प्रतीक होगे।
और स्वयं प्रभु श्री नारायण की विजय पताका बनो। हनुमान पुत्र, भगवान शिव से तुमने ध्यान और हठयोग की शिक्षा प्राप्त की है और माता सरस्वती ने तुम्हें ज्ञान और भक्ति योग में परांगत बनाया। अब मैं तुम्हें कर्म योग का सार बताऊंगा। हनुमान, कर्म ही मनुष्य के भाग्य का आधार है, इसीलिए पुत्र अपने कर्मों से धर्म और सत्य की स्थापना करना और संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करना। मैं तुम्हें वरदान देता कि तुम ईश्वर के प्रति भक्ति और सेवा का सर्वोत्तम उदाहरण बनोगे और कालांतर में तुम्हारा इतना उच्च स्थान होगा कि तुम स्वयं ईश्वर रूप में पूजे जाओगे। ज्ञान विचाराया हो ध्यान, कर्म बली है कर्म प्रधान। श्रेष्ठ सदा जो कर्म धरे, सोई स्थापित धर्म करे। कर्म जगत में सबसे महान, हरि हनुमत को दे ये ज्ञान। अमृत वाणी गृहित कपी, कर्म के ऊपर जग है टिकी। धन्यवाद प्रभु। पुत्र, अब मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा। हनुमत शंख को मुख से लगायो, तीन लोक को दियो गुंजायो। शुभ दिवस आरंभ भयो, शंखनाद संकेत दियो। नाद सकल जग ने ये सुनी, सृष्टि भई उल्लासमयी। धर्म जगत में स्थापन निश्चित कर देंगे बजरंग।